हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग का सब्जेक्ट चल रहा है और अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है। 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं और आप यहां तक आए हैं तो यकीन माने बहुत ज़्यादा अच्छे से आप मेहनत कर रहे हैं। जल्दी से 11 क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि सीरीज आगे और कंप्लीट कर दी जाए। 11 क्वेश्चन, वर्चुअल मशीन सिक्योरिटी एंड IAM क्या होता है। IAM बेसिकली आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट होता है ना, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। ठीक है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट प्लेस इसके फुल फॉर्म है। होता क्या है, वर्चुअल मशीन ऑफर अ वर्सेटाइल एफिशिएंट वे टू यूटिलाइज कंप्यूटर रिसोर्सेज, हाउएवर द सिक्योरिटी VM प्रमोट प्रोटेक्टिव सेंसिटिंग एनवायरमेंट डेटा एप्लीकेशन। वर्चुअल मशीन से बेसिकली वर्चुअलाइजेशन की एक वर्चुअल मशीन हमने बना दी, VR हैंडसेट के थ्रू हम इसको यूज़ कर पा रहे हैं। बेसिकली वर्चुअल मशीन हमको क्या कर रही है कि हम कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करने में या सॉफ्टवेयर यूज़ करने में या हमारी क्लाउड सर्विसेज यूज़ करने में इसकी हेल्प होती है, जो हमको बेटर इंटरफेस प्रोवाइड कराती है। इससे शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड होता है, आप कह सकते हो लेटरल मूवमेंट में हेल्प मिलती है। ये इसके साथ चैलेंजेस हैं, शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो दिक्कत है, लेटरल मूवमेंट में हेल्प मिलती है वो दिक्कत है, साइबर सिक्योरिटी हमेशा कंसर्न रहता है, मिस कॉन्फ़िगरेशन भी कंसर्न रहता है कि एक्चुअल में कुछ डिले टाइम जो चलता है वो। और IAM ब्लास्टिंग VM सिक्योरिटी या VM की वर्चुअल मशीन को IAM हेल्प करता है एम्बेडेड करने में या आप कह सकते हो एनहांस करने में, अगर सिंपल लैंग्वेज के अंदर बात करी जाए। ये कंट्रोल बढ़ाता है, लीस्ट प्रिविलेज प्रोवाइड करता है अदर रिसोर्सेज को, जिससे हमारी जो साइबर सिक्योरिटी है वो थोड़ी एनहांस होती है, हैकिंग में दिक्कत होती है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अवेलेबल करवाता है, ऑडिटिंग एंड लॉजिंग में काम करता है और आइडेंटिटी गवर्नेंस में काम करता है। बेसिकली ये क्या है, ये है हमारा आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट कि इसी यही व्यक्ति ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकता है या ये मशीन्स यूज़ कर सकता है। अब ये बियॉन्ड एडिशनल सिक्योरिटी के अंदर हाइपरवाइजर हम यूज़ करते हैं, गेस्ट OS यूज़ करते हैं, नेटवर्क का सेगमेंटेशन करते हैं, मल्टी क्लाउड पे वर्क करते हैं, एंटीवायरल फायरवॉल यूज़ करी जाती है और रेगुलर बैकअप भी लिया जाता है। तो यूजुअली क्वेश्चन क्या है, अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा जहाँ तक मुझे आइडिया आ रहा है, क्या है कि वर्चुअल मशीन्स की सिक्योरिटी से रिलेटेड रिसेंट ट्रेंड्स में देखा गया है, मंस की जो एग्ज़ाम में इंटरनल के एग्ज़ाम में जो रिसेंट ट्रेंड आया है कि वर्चुअल मशीन्स के रिसेंट चैलेंजेस, उनकी सिक्योरिटी कंसर्न्स के लेके एक क्वेश्चन बार बार पॉपअप हुआ है। इसीलिए हमने वर्चुअल मशीन सिक्योरिटी एंड IAM का यूज़ बताया है और इन दोनों का इंटीग्रेशन करने से क्या बेनिफिट हो रहा है ये हमने बताने की यहाँ पर कोशिश करी है। सिंपल है ना, IAM आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट है। बेसिकली ये बायोमेट्रिक मशीन भी हो सकती है, बेसिकली थंब इंप्रेशन की मशीन भी हो सकती है जो बायोमेट्रिक में आ गई, रेटिना के थ्रू भी आप कर रहे हो या आप वैसे वॉइस कमांड के थ्रू भी हो रहा है, डिजिटल एनक्रिप्टेड की के थ्रू भी हो रहा है एंड नंबर्स ऑफ द रिसोर्सेज है। ये बेटर आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, एनहांस देती है, मल्टी क्लाउड इसका बेस्ट ऑप्शन है, बैकअप एंड रिकवरी भी एक ऑप्शन है और एक्सेस कंट्रोल देती है। ठीक है, ये इसके मेन फीचर्स हैं। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को डीपली आप पढ़ के जाना क्योंकि ये पॉपअप होने वाला क्वेश्चन रहा है। पॉपअप का मतलब ये IT के फील्ड में आपको पता है बार 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 रिपीट हुआ है इंटरनल के केस में, एक्सटर्नल में नहीं आया है आज तक, लेकिन कभी किसी पेपर में रह गया हो मेरे आई से तो मेरे को याद नहीं, लेकिन मैंने देखा नहीं है, लेकिन इंटरनल में इस बार बड़े ट्रेंडिंग में रहा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।